अब हम लोग अपनी आज की मीटिंग में खलील जिब्रान द्वारा दान और कर्म पर क्या कहा गया है इसके बारे में चर्चा करेंगे। यूं तो दान और कर्म ये दोनों ऐसे शब्द हैं जिनसे लोग बखूबी परिचित हैं, और दान कहते ही बहुत सारे प्रकार के दान और उनके बारे में जो शास्त्रों में बहुत सारी सूचनाएं हैं वो लोगों को ध्यान भी आती हैं, करते भी हैं किसी न किसी प्रकार से, हर व्यक्ति दान कुछ न कुछ करता है। और कर्म के बारे में तो क्या कहा जाए, हर ग्रंथ भगवद गीता है, योग है, हर जगह कर्म की जो महिमा कही गई है, कर्म कितने प्रकार के होते हैं, कहाँ से आते हैं, कैसे कर्म फिजिकल वे में आता है, सूक्ष्म में उसकी क्या स्थिति है, इन सब के बारे में बहुत सारे लोग बहुत कुछ जानते हैं। लेकिन हम पिछले कई बार से खलील जिब्रान के पुस्तक द पैगंबर का कुछ अध्ययन कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके, ताकि अच्छे से समझ सकें। तो हम देखेंगे कि दान के विषय में खलील जिब्रान ने अल मुस्तफा नाम के फकीर से क्या कहलवाया है। इसके पश्चात एक धनी व्यक्ति ने कहा कि हमें दान के बारे में कुछ बताइए, और उसने बताना शुरू किया, जब तुम अपनी संपत्ति में से कुछ देते हो तो केवल बहुत ही थोड़ा देते हो, अर्थात नहीं के बराबर। जब तुम अपने आप में से कुछ देते हो तब वास्तव में कुछ देते हो, क्योंकि तुम्हारी संपत्ति क्या वही चीजें नहीं है जिन्हें तुम इस डर से अपने पास सुरक्षित रखते हो कि भविष्य में इनकी आवश्यकता पड़ सकती है। आगे बढ़ें इससे पहले इस पर हम लोग कुछ बात कर लें कि जब हम अपनी संपत्ति में से कुछ, बहुत लोग बहुत कम प्रतिशत निकालते हैं तो वो कहते हैं वो लगभग नहीं के बराबर ही होता है, और जब वो कहते हैं आप अपने आप में से कुछ देते हैं तो भी आप इस डर से कुछ अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए आप अलग कर देते हो, आपको लगता है कि शायद भविष्य में इसकी आवश्यकता आपको पड़ सकती है। आगे कह रहे हैं वो कि और कल, यही कल उस बेहद चालाक कुत्ते को क्या देगा जो रेत में हड्डियां दबाता हुआ पवित्र नगर की ओर जाने वाले तीर्थयात्रियों का पीछा करता है। ये खलील जिब्रान जी ने कितनी निर्भीकता के साथ यहाँ जो तुलना दी है, जो रूपक के रूप में आया है, कि जो बेहद चालाक कुत्ते को क्या देगा जो रेत में हड्डियां भी दबाता जाता है और जो पवित्र नगर की ओर तीर्थयात्री जा रहे हैं उनका पीछा भी करता जाता है। तो भविष्य के लिए जो हम ये सुरक्षित रखते हैं उसके पीछे क्या है, तो वो कह रहे हैं कि और अभाव, अभाव का डर क्या है, केवल स्वयं अभाव ही तो है। आगे कह रहे हैं, जब तुम्हारा कुआं भरा हुआ हो क्या तब भी न बुझने वाली प्यास भयानक नहीं होती। ये वाक्य ऊपर जो जिस अभाव के डर से, जिस भविष्य को सुरक्षित करने के डर से हम अपना धन बचा ले जाते हैं उसके बारे में आगे वो कहते हैं कि यदि कुआं भरा हुआ हो तो क्या तब भी न बुझने वाली प्यास और भयानक नहीं होती। ये सोचने जैसा है कि सब कुछ हमारे पास है लेकिन तब भी हमें ऐसी प्यास लगती है जो बड़ी भयानक होती है। और मजे की बात यह है कि ये वो प्यास नहीं, रूपक के माध्यम से खलील जिब्रान कहना चाहते हैं कि भरे हुआ कुआं होने के बाद भी हम प्यासे रहते हैं। कैसे रहते हैं, आप देखिए कि सांसारिक दृष्टि से अपने आप को समृद्ध सुरक्षित रखने के साथ जो जो मानसिक संघर्ष, जो शारीरिक संघर्ष हम संसार में करते हैं उसकी प्रतिक्रिया द्वारा हमें क्या क्या चीजें हो जाती हैं, जिसमें बहुत सारे मनोरोगों का भी नाम आता है। तो ये यहाँ पर इसी का इंडिकेशन मुझे ऐसा लगता है, बाद में आप लोग भी अपना विचार दीजिएगा। संसार में ऐसे लोग भी हैं जो अपनी अथाह संपत्ति में से बहुत थोड़ा दान करते हैं,
और इतना भी वे अपनी पहचान बनाने के लिए करते हैं, देते हैं, और उनकी अंतर्निहित इच्छाएं उनके इस दान को अलाभकारी बना देती है। बहुत ही सुंदर बात कही है कि लोग जो है केवल अपने को रिकॉग्नाइज करवाने के लिए, एक दानी के रूप में अपना नाम कमाने के लिए करते हैं। तो खलील जिब्रान कहते हैं कि अगर मेरे मन में दान देने के साथ कोई हमारे अंदर छिपी हुई ऐसी इच्छाएं हैं तो वो दान को अलाभकारी यानी प्रभावहीन बना देती हैं। ऐसे दान का कोई महत्व, कोई प्रभाव नहीं होता है आपके ऊपर। इसके विपरीत संसार में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास बहुत कम है मगर वे सारा का सारा दे देते हैं। यही वे लोग हैं जिनका जीवन में विश्वास है और जीवन की उदारता में भी, और उनका खजाना कभी खाली नहीं होता है। तो जो लोग जीवन में विश्वास, मतलब जो निरंतर बहता रहना, जैसे अगर हम देखें, अगर हम किसी चीज को बहुत संचित करके रख लेते हैं या क्लोज फिस्टेड अपने को कर लेते हैं तो वो छिन जाता है, लेकिन अगर हम उदारता पूर्वक दान करते रहते हैं तो वो बरसता रहता है, यानी सर्कुलेशन में वो चीज जाती रहती है। आगे एक तीसरी कैटेगरी भी बता रहे हैं, इसमें तीन कैटेगरी बताई थी कि एक वे हैं जो अंतर्निहित इच्छाओं के साथ दान को करते हैं जो दान को प्रभावहीन बना देती हैं, दूसरे वे लोग हैं जो अपना सारे का सारा दान कर देते हैं क्योंकि उनका विश्वास जीवन और जीवन की उदारता में है, वे जानते हैं कि वे जितना देंगे उतना ही भरता जाएगा। अब तीसरे कैसे लोग हैं कि ऐसे लोग हैं जो आनंद पूर्वक दान करते हैं और वह आनंद ही उनका पुरस्कार है। मतलब वो उनको कुछ नहीं है कि पाप है कि पुण्य है या उनका कोई भला होने वाला है, लेकिन वो अपने आनंद के लिए जो है दान करते हैं, उनको उसी में संतोष और सुख मिलता है। अब कह रहे हैं आगे कि ऐसे लोग भी हैं जिनको दान देते हुए दुख होता है और वह दुखी ही उनका बपतिस्मा है। बपतिस्मा जो है ये क्रिश्चियंस में एक रस्म है जो शुद्धिकरण, मतलब कुछ उसको बच्चे को स्पिरिचुअल ट्रेनिंग के लिए जो भी उसका होता है तो उसमें वे उसको शुद्धिकरण के लिए इस रस्म को बपतिस्मा कहा जाता है। तो अब ये कह रहे हैं कि जिन लोगों को दान देते हुए दुख होता है उनके लिए ये दुख ही उनको शुद्ध करने वाला है फिर। और ऐसे लोग भी हैं जो दान करते हैं और दान करते हुए ना तो दुख होता है ना प्रसन्नता होती है और ना ही वे इसे पुण्य का कर्म समझकर दान देते हैं। वे तो इस प्रकार दान करते हैं जैसे सामने की घाटी का हिना का फूल अपनी सुगंध चहुं ओर बिखेर देता है। तो अंत में जो उन्होंने एक और कैटेगरी बताई है कि कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें ना प्रसन्नता है ना दुख है और ना ही किसी प्रकार का उनके अंदर कोई ईगो इस प्रकार का है कि उसको संतुष्ट करना है, तो वे ऐसे दान करते हैं जैसे हिना के फूल से सुगंध निकलती है। हिना मेहंदी के फूल को कहा, हिना मेहंदी को कहते हैं, तो उसके फूल की सुगंध चारों ओर बिखेर देता है। इसी प्रकार के लोगों के बीच ईश्वर वास करता है, अर्थात इन्हीं दानी लोगों के माध्यम से ईश्वर बोलता है और इनकी आंखों के द्वारा ही वह अपनी मुस्कुराहट धरती पर बिखेरता है। यानी ये ऐसे लोग हैं जिनमें ईश्वर वास करता है। अब ईश्वर वास तो वैसे सभी में करता है, लेकिन ये है कि जो अज्ञानवश ईश्वर की उपस्थिति अपने अंदर नहीं रियलाइज कर पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, तो उनका जीवन कुछ और तरीका होता है। और जिनके अंदर ये दैवी क्वालिटीज एक्सप्रेस होने लगती हैं तो अर्थात वहां पर ईश्वर का वास करता है, ऐसा इन्होंने कहा है। तो इन्हीं दानी लोगों के माध्यम से ईश्वर बोलता है और उनकी आंखों के द्वारा वो अपनी मुस्कुराहट धरती पर बिखेरता है। जब मांगा जाए और उस समय मांगने वाले को दे दिया जाए तो ये बड़ा अच्छा कर्म है, लेकिन श्रेष्ठ कर्म तो वह है जब बिना मांगे दिया जाए। यानी कि बिना मांगे का मतलब कि दूसरे की इच्छा समझ कर इससे पहले कि वो मांगे हम उसकी उस इच्छा की पूर्ति कर दें। खुले हाथों से दान करने वाले व्यक्ति को अधिक प्रसन्नता तब मिलती है जब उसे दान देने की अपेक्षा
दान लेने वाले की तलाश हो। यानी ये कह रहे हैं कि देने की अपेक्षा वो दान लेने वाले की उसको तलाश रहती है कि वो किसके लिए क्या समर्पित करे। और तुम्हारे पास ऐसी क्या चीज है, अब ये क्वेश्चन कर रहे हैं दानदाता से कि और तुम्हारे पास ऐसी क्या चीज है जिसे तुम देने से इनकार करो। जो कुछ भी तुम्हारे पास है एक ना एक दिन वह सब तुम्हें देना ही पड़ेगा, अतः जो देना है अभी दे दो ताकि ध्यान देने का समय तुम्हारे उत्तराधिकारियों का नहीं बल्कि तुम्हारा ही रहे। वो तो कहते हैं कि तुम दो तब भी, नहीं दो तब भी, वो बाद में तुमसे सब चला ही जाना है, वो तुमको देना ही है। तो वो कह रहे हैं कि तुम इससे बेहतर है कि तुम अभी दे दो ताकि दान देने का जो एक समय है वो तुम्हारा हो, न कि तुम्हारे उत्तराधिकारियों का। तुम अक्सर कहते हो मैं दान दूंगा लेकिन सुपात्र को ही। ये बात बहुत आती है कि सुपात्र को दिया जाए, ज्ञान सुपात्र को दिया जाए, दान सुपात्र को दिया जाए। लेकिन अब ये खलील जिब्रान जो प्रश्न आगे करते हैं उससे ये लगता है कि हम किसी के इस बात को निरीक्षण करने वाले या देखने वाले हम कौन। तो ये कहते हैं तुम अक्सर कहते हो मैं दान दूंगा लेकिन सुपात्र को ही। तुम्हारे बगीचे में खड़े पेड़ तो ऐसा नहीं करते और ना ही तुम्हारे चरागाह की भेड़ें ऐसा करती हैं। वे दान करते हैं ताकि वे जिंदा रह सकें, लेकिन रोक कर रखी हुई चीज ही नष्ट होती है। ये गौर करने की बात है, रोक कर रखी हुई चीज अर्थात जिसको हम बिल्कुल बहुत संग्रहित कर देते हैं, कहीं अलग एकत्रित कर देते हैं और संचित करके रख देते हैं, वे चीजें नष्ट होती हैं। जो सर्कुलेशन में जाती रहती हैं केवल वही चीजें ठीक रहती हैं। तो कहते हैं कि वे दान करते हैं इसलिए कि जिंदा रह सके। जैसा उससे पहले इन्होंने उदाहरण दिया ना कि पेड़ ऐसा नहीं करते, चरागाह की भेड़ें ऐसा नहीं करती, वो सब दे देते हैं। जो दिन व रातों का दान प्राप्त करने योग्य है। दिन और रातों का मतलब यहाँ प्रकृति के साथ है कि जब जो लोग प्रकृति से प्राप्त हर चीज को प्राप्त करने योग्य हैं, वो उसे पा रहे हैं, तो वह निश्चय ही तुम में से बचे हुए सभी कुछ को प्राप्त करने योग्य है। और जो जीवन समुद्र में से पीने योग्य है, वही तुम्हारी छोटी सी धारा में से अपना प्याला भरने की योग्यता रखता है। फिर उससे बड़ा रेगिस्तान ही क्या होगा जो दान लेने का साहस विश्वास में नहीं बल्कि उदारता में है। इसको ऐसे मुझे जो समझ में आया है वो ये है कि जब प्रकृति द्वारा दी गई समस्त वस्तुओं को प्रत्येक व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, क्योंकि इससे पहले सुपात्र को देखने की बात हो रही थी ना, तो उसी संदर्भ में वो कह रहे हैं कि जब हम प्रकृति द्वारा, ईश्वर द्वारा दी गई प्रत्येक चीज को पाने के हकदार हैं और हमें मिलती है और वो जीवन समुद्र में से सभी पी सकते हैं, तो वो तुम्हारी छोटी सी धारा में से, यानी तुम्हारे माध्यम से उसकी जरूरत की जो पूर्ति हो रही है, तो फिर आप क्या सुपात्रता देखेंगे, पात्रता को कैसे देखेंगे। फिर उससे बड़ा रेगिस्तान ही क्या होगा जो दान लेने का साहस विश्वास में नहीं बल्कि उदारता में। वो कह रहे हैं कि दान लेने के लिए भी विश्वास चाहिए और उदारता चाहिए। क्यों, फिर तुम हो कौन जिसके सामने आदमी अपनी छाती खोले और अपने स्वाभिमान पर से पर्दा हटा दे ताकि तुम उनकी योग्यता को नग्न और उनके आत्मसम्मान को निर्लज्ज होते हुए देख सको। ये वहीं से चला आ रहा है जो सुपात्र पात्र व्यक्ति को दे, दान देने के लिए पात्र व्यक्ति को देखने की बात थी। उसी कंटिन्यूएशन में, उसी क्रम में वो कह रहे हैं कि तुम हो कौन जिसके सामने आदमी अपनी लज्जा को खोल दे। और कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी अपनी उस बात को सामने नहीं कहना चाहता है लेकिन उसकी जरूरत होती है, लेकिन हम कहते हैं कि नहीं ये हमको सत्य बताए। तो वो कहते हैं कि वो अपने आप को, उनकी जो दान लेने की जो पात्रता है उसको देखने के लिए तुम उनके आत्मसम्मान को निर्लज्ज होते हुए देख सको, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अब वो कहते हैं पहले तो तुम अपने आप को देखो कि तुम स्वयं दाता बनने अथवा दान देने का साधन बनने की योग्यता रखते हो। कितना सीधा और
सपाट प्रश्न बिल्कुल कर दिया है खलील जिब्रान ने कि तुम दान लेने वाले की पात्रता को देखना चाहते हो, लेकिन तुम स्वयं अपने को तो देखो कि क्या तुम स्वयं दाता बनने की योग्यता या उसका माध्यम बनने की योग्यता रखते हो, क्योंकि ये बात सच है कि जीवन ही जीवन को देता है, और जबकि तुम जो कि अपने आप को दाता कहते हो केवल एक गवाह से अधिक कुछ, मतलब प्रकृति से मिली हुई चीज को तुम किसी को हैंडओवर कर रहे हो तो तुम केवल गवाह यानी केवल माध्यम हो और इससे अधिक तुम्हारा कोई रोल नहीं है। और तुम लेने वालों, अब लेने वालों की, तुम सभी लेने वाले यानी जो दान दे रहा है वो भी तो लेने वाला है, वो भी तो लेता है फिर देता है, अपने ऊपर वो कहते हैं कृतज्ञता का भाग। ये बड़ी आगे बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही है इन्होंने कि अपने ऊपर कृतज्ञता का भार मत डालो, नहीं तो अपने ऊपर और दाता पर भी बोझ ला दोगे। यानी ग्रेटिट्यूड तो होना चाहिए लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं कि आप दाता के ऊपर बार बार उसके उससे दिए गए जो जो लाभ आपको मिला उसको बार बार कहने से आप दाता के ऊपर एक बोझ ला देते हैं। बेहतर है कि दाता के साथ साथ उसके दान के सहारे ठीक वैसे ही ऊपर उठो जैसे कोई वृक्षों के सहारे ऊपर उठता है। उन्हें देखा होगा कई लोगों ने कि पेड़ों के साथ साथ लताएं उसके ऊपर चढ़ जाती हैं, तो वो कहते हैं कि तुम इस प्रकार से उठो उसके दान के सहारे से जैसे वृक्ष के सहारे कोई लता ऊपर उठती है, क्योंकि अपने ऋण के बारे में बहुत अधिक सचेत होना उसकी उदारता पर संदेह करना है। जिसके पास मुक्त हृदय वाली पृथ्वी रूपी माता और जिसके पास ईश्वर रूपी पिता है, यानी ईश्वर रूपी पिता और पृथ्वी रूपी माता जिसके पास है वो उनको जरूरत से ज्यादा उनके या उनका जो दिया गया है उसको ऋण समझना जो है और उस पर सचेत होना उनकी उदारता पर संदेह करना है। तो ये था खलील जिब्रान जी का दान के ऊपर। इसमें विभिन्न प्रकार की मना स्थितियों का वर्णन किया गया है और किस प्रकार की मना स्थिति में किया गया दान किस तरह से जो है लाभकारी होता है या नहीं होता है इसके बारे में उन्होंने बताया। एक विचार आया, हाँ, कि अभी ये जो अपने डिस्कस हाँ, किया है दान, हाँ, ये स्वयं में मेरे ख्याल से इतना डीप है और इसमें शायद सदस्य हैं उनके काफी कुछ क्वेरीज या कमेंट्स या क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो मेरे ख्याल से उसी को हम लोग ले लें अगर आप कहें तो कर्म को अगली बार ले सकते हैं अगर सब लोग एग्री करते हैं, क्योंकि ये ऐसे कैसा विषय है जो डेली लाइफ से डील करता है, डील करता है, जुड़ा हुआ है, बिल्कुल ठीक है, बहुत सही है, ऐसा ही कर लिया जाए क्योंकि हमें लगता है 10-12 मिनट करीब इसमें हमको दिखाई दे रहे हैं, तो ले लेते हैं, इसी को कर लेते हैं दान को ही। इतनी कैटेगरीज, मैं बोल रही हूँ वसुधी, इतनी कैटेगरीज आपने बताई दान करने वालों की, तो उसमें बेस्ट इसका मतलब वही हुई जिसको ना आनंद का अनुभव हो रहा है दान करते वक्त और ना ही दुख का अनुभव हो रहा है, मतलब जिसे कोई वो सिर्फ दान करने के लिए दान कर रहा है उसके साथ कोई फीलिंग नहीं जुड़ी हुई है शायद वो नहीं, इसमें जो आनंद, देखो प्रसन्नता और आनंद इनमें डिफरेंस है, तो वो कहा था कि किसी को प्रसन्नता हो या दुख हो ये तो एक चीज हो गई, आनंद वो केवल इसलिए आनंद पूर्वक दान करते हैं क्योंकि आनंद ही उनका पुरस्कार है। और एक बात मुझे और याद आ रही है, हमारी थियोसॉफी के नीरव नाद में जो तीसरा खंड है उसमें ऊपर ऊपर की यात्रा के लिए, मतलब आध्यात्मिक यात्रा के लिए ऊंचाइयों के लिए 7 तोरण यानी 7 पोर्टल्स बताए गए हैं। उन पोर्टल्स में सबसे पहला जो है वो है दान, और उसमें आगे ये भी लिखा है कि यह पवित्र अविनाशी प्रेम की कुंजी है। दान दान के रास्ते से चलकर, यानी आप जब आत्मदान, इसकी पराकाष्ठा क्या है दान की, जब आप आत्मदान, आपका अपना कुछ नहीं रहता है, आप दूसरों के लिए सब कुछ करने में ही आपका आनंद है। आनंद और प्रसन्नता इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। आनंद का कोई पर वो कहते हैं विलोम विपरीत अर्थ का शब्द नहीं है, लेकिन सुख और प्रसन्नता
इनका विपरीत है। ठीक है, तो जहां तक विपरीत है वो संसार है और जो ऊपर है वो आनंद है, सचित आनंद है ना। तो आनंद पूर्वक जो दान करते हैं और जिनको जिनका पुरस्कार आनंद ही है। और इस नीरव नाथ को जो मैंने उल्लेख किया वो इसलिए कि हम भी पहले नहीं समझते थे, लेकिन हमने देखा कि दान धीरे धीरे आपको पवित्र अविनाशी प्रेम की कुंजी है ये, यानी उस ओर ले जाता है। आप आत्मदान कर ही तब सकते हैं, आत्मदान का मतलब जिसने सब कुछ और दूसरा तो कोई है नहीं, सब कुछ सभी के लिए कर दिया है, तो वो व्यक्ति प्रेम को टच अवश्य करता है, पवित्र अविनाशी प्रेम का माध्यम बनता है, ऐसा ये मुझे समझ में आया। और एक चीज और है, इन्होंने ये भी तो कहा है कि जो ऐसे दान करते हैं जैसे हिना का फूल का खुशबू चारों ओर फैल जाता है ना, तो वो ये चीज है। लेकिन दान करने में किसी प्रकार का रिकॉग्निशन या किसी प्रकार का स्वार्थ या जो है हम कुछ ये कर लें ऐसा कर लें कुछ बचा लें या किसी भी प्रकार की हमारे अंदर छिपी हुई मेरे अंतस में कोई भी इच्छा हो सकती है, तो वो हमारे दान को अलाभकारी बना देती है। अब आप सोचिए हमारे समाज में चारों ओर कितना लोग भंडारा कर रहे हैं या कितने काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर कोई ना कोई इच्छा होती है, तो वो दान का उतना प्रभाव नहीं होता है, ऐसा इनका कहना है। क्या मैं अपनी बात स्पष्ट कर पाई? हाँ बिल्कुल 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 समझ में आ गया। एक कि लोग जो ना खुश होते हैं ना कोई दुख के साथ, इसको ये भी कह सकते हैं कि मतलब दान उनका एक स्वभाव बन गया है। और मतलब उन्हें जैसे हम लोग कहते हैं हाँ हमने दान किया, तो हम उसको एक कोई स्पेशल एक्टिविटी मानते हैं कि जो हमने की, लेकिन जिसके लिए वो एक स्वभाव बन गया है तो उसको ये पता भी नहीं चलता है कि उसने कहाँ दान कर दिया या कि किसको क्या मदद कर दी। बेसिकली कहने का अर्थ होगा कि कर्तापन या जो देनापन है वो भावना खत्म हो गई। बहुत सही, अर्चना ने भी बिल्कुल सही कहा कि ना प्रसन्नता होती है ना दुख होता है और सहज स्वभाव से दे दिया जाता है। बहुत बढ़िया प्रभा जी ने ऐड किया। सुमती जी एक प्रश्न मन में जहन में उठा, एक प्रश्न मन में जहन में, आप बोलिए कि जब हम दान की बात करते हैं तो हम खाली भौतिक दान की बात करते हैं, मतलब मैं प्रश्न है कि भौतिक यानी कोई वस्तु कोई ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, लेकिन क्या हमारा ये प्रश्न है, मैं मन में सुनते सुनते जैसे बहुत सही बात कही शिखर जी ने कि ये इतना ऐसा विषय है कि इतना गहरा विषय है कि उसके बहुत से पक्ष पे चर्चा हो सकती है, तो क्या ये जो अभौतिक है यानी जो सटल है यानी जो विचार है, क्या हम वो करते हैं वो भी दान की श्रेणी में आता है, क्योंकि वो भी तो हम दे रहे हैं, उसके लिए भी तो हम अपनी ऊर्जा अपनी एनर्जी अपना इमोशन अपना सारा उसमें इनपुट कर रहे हैं, तो क्या व्यक्ति को भौतिक पदार्थ के अलावा अभौतिक चीज जो उसके एलिवेशन में सहयोग करे, हाँ क्या वो भी दान की श्रेणी में आता है, प्रश्न एक पहला प्रश्न मेरा है, तो इस पे थोड़ा विचार किया जाए कि क्या भौतिक के अलावा जो अभौतिक चीजें हैं है ना। हाँ नहीं मैं समझ रही हूँ आपका जो प्रश्न तो ये प्रश्न पे हमारी चर्चा हो, फिर उसके बाद दूसरा प्रश्न में वो कि मैंने कहीं पढ़ा था कि सर्विस जो हम सर्विस करते हैं वो भी दान की श्रेणी में आता है, exactly. द सर्विस एक मैंने कहीं पढ़ा था द सर्विस वी रेंडर टू अदर्स इज रियली द रेंट वी पे फॉर आवर रूम ऑन दिस अर्थ, तो हम इस पृथ्वी पर अपने इस रहने का किराया भुगतान करते हैं, तो हम एक्चुअली दान कर ही नहीं रहे हैं, क्योंकि जो एक्चुअली हम दान नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये तो गिव एंड टेक की ये सहज स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन हम इसको नहीं समझ पाते, हम इसको समझ नहीं पाते, इसलिए हम उसको कन्फाइन कर देते हैं कि हम ये कर रहे हैं हम ये कर रहे हैं हम ये कर रहे हैं। तो मेरा पहला प्रश्न है, उसके बाद में दूसरा प्रश्न, बहुत अच्छा विषय आपने उठाया है, और खलील जबरान को तो सुनते हैं तो लगता है कि ऐसी भाषा जो सीधे 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 घर करती है,
तो ये प्रश्न पे चर्चा हो जाए, फिर मैं दूसरा प्रश्न। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो भौतिक वस्तुओं के दान के संबंध में फीलिंग क्या है उसके बारे में या मनस्थितियां क्या है उसका इसमें वर्णन हुआ है, लेकिन जब हम अपनी थियोसॉफी की दृष्टि से देखते हैं तो जो हमारी सेवा सहायता सर्विसेज और वेल विशेज और थॉट्स लेवल पर जब हम करते हैं सहायता, तो मुझे लगता है वो भी उसी श्रेणी में आता, क्योंकि आप देखिए कि महात्मा गण भी तो संसार को वो भेजते हैं, तभी ना संसार है ना, तभी ना संसार में बहुत सी एक्टिविटीज और सूक्ष्म लेवल पे ग्रहण कर ली जाती हैं और वो फिर एक्शन के फॉर्म में आती हैं। हमको लगता है कि हमने आपको प्रश्न को शायद सही पकड़ा है। नहीं नहीं, सही, आप बिल्कुल सही पकड़ा है, क्योंकि इस पर भी विचार करना आवश्यक होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अभौतिक वस्तुओं का भी जो सेवा सहायता है वो भी उसी की एक श्रेणी है, क्योंकि हम अपनी इमोशन की एनर्जी, अपने थॉट की एनर्जी को दूसरे के लिए कर रहे हैं, है ना। तो मुझे लग रहा है आप जी, हाँ शिखर बोले। नहीं, इसीलिए दान की भी कई कैटेगरीज दी गई है ना, द्रव्य दान, श्रम दान, ज्ञान दान, तो और ज्ञान दान को द्रव्य दान से भी श्रेष्ठ माना गया है। आपने ठीक है किसी को खाना दे दिया एक टाइम का, वो तो उसको दान कर दिया, लेकिन अगर आपने उसको खाना पैदा करने का पकाने का गुण सिखा दिया तो आपने जीवन भर के लिए उसकी मदद कर दी। और इसी तरीके से अगर अध्यात्म के क्षेत्र में अगर आपने किसी को, मान लीजिए कोई दुखी है और उसको कर्म नियम पे बात करके या पुनर्जन्म के नियम समझा कर या कुछ एग्जाम्पल देके कुछ उसका दुख दर्द कम कर दिया, तो वो भी एक तरीके का दान है। हाँ, हाँ, और जिसकी माध्यम से हम सबकी मदद कर सकते हैं, वो चाहे द्रव्य लेवल पे हो, धन के लेवल पे हो, चीजों के लेवल पे हो, या मानसिक इमोशनल लेवल पे हो, या आध्यात्मिक लेवल पे हो। बिल्कुल, क्योंकि हमारे ग्रंथों में शबर लिखते हैं, याज्ञवल्क लिखते हैं, मिताक्षरा लिखते हैं कि जो अभी बात मैंने उठाई थी और इसका जवाब शिखर जी ने दिया कि हमारा जो लेने वाला होता है दान, उसकी भी जो स्वीकृति होती है वो मानसिक भी होती है, क्योंकि वो उसको हमको थॉट प्रोसेस से जो हम वो दान दे रहे हैं तो वो उसी लेवल पर उस एक समय ऐसा आता है कि वो फ्रीक्वेंसी उसकी बन जाती है और जो हम उसको देना, दान शब्द द से बना यानी देना, देना, तो वो उसको ग्रहण करने लगता है। तो ये भी एक बहुत श्रेष्ठ दान है। और लेकिन दान सब है, दान सब है। और दूसरी बात जो आपने प्रश्न उठाया था, यदि किसी और ने बोला तो मैं अपना दूसरा प्रश्न, हाँ, और यदि बोलना चाहता है तो, नहीं तो फिर मैं दूसरा प्रश्न बाद में करूँ। नहीं, एक चीज इसमें ये और थी कि जब दान दिया जाता है, ये एचपी ब्लावस्की ने की तो थियोसॉफी में लिखा है कि किस तरह जो दान ले रहा है उसके मन में जो ग्रेटिट्यूड की फीलिंग आती है उससे उसका बहुत विकास होता है, क्योंकि ग्रेटिट्यूड की फीलिंग आना एक हाई लेवल का इमोशन है। तो वो जब हम किसी से मदद रिसीव करते हैं तो हमारे अंदर जो ग्रेटिट्यूड की फीलिंग आती है वो भी हमारे हमारा मदद करती है। हम उसको जो ग्रेटिट्यूड करें, जो हमें दान मिला है उसको लिख कर दान करें कि आज रिक्शे वाले ने मुझे स्कूल पहुंचाया, मैं उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन, क्योंकि ये उसका दान है। क्योंकि जो वो श्रम कर रहा है वो 10 रुपए में पहुंचाया, वो मनी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जो उसका, हालांकि वो रेसिप्रिकेट कर रहे हैं, हम भी दे रहे हैं, वो भी हमें दे रहा है, लेकिन फिर भी वो साधन हमें उपलब्ध कराया। तो जो कृतज्ञता की जो बात कही उस पर ये मेरा दूसरा एडिशन है, मतलब एक बात है कि हाँ हमें कृतज्ञ होना चाहिए। और कृतज्ञ तो क्योंकि वो विचार तो अनोइंगली एटमॉस्फेयर में जाता ही है, जाता है तो हम तो उड़न हो रहे हैं, हम तो ये भी एक प्रक्रिया है। बस ये ख्याल मेरे मन में आया, फिर और चर्चा करेंगे तो तीसरा प्रश्न भी मन में उठा है। बहुत अच्छी बात आपने कही है, और इन्होंने लिखा भी है कि ऋण के बारे में बहुत अधिक सचेत होना, उसकी उदारता पर संदेह करना है, मतलब उसको वर्ड्स में ना ज्ञापित करें, लेकिन जैसा कि आपने कहा है कि आप मन ही मन ग्रेटिट्यूड पे करती हैं, तो ये अच्छी बात है। क्योंकि उस ग्रेटिट्यूड, जैसा शिखर ने बताया कि जो लेने वाला है वो उससे उसका जो ग्रेटिट्यूड का इमोशन है उससे उसका बहुत डेवलपमेंट होता है, ऐसा एचपीबी ने लिखा है। तो मुझे लगता है कि ये जो मानसिक लेवल पर, थॉट लेवल पर, इमोशनल लेवल पर जो हम
कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं उसका बड़ा महत्व हो जाता है बिना वर्ड्स को कहे। हाँ दीदी, आपने लास्ट में जो आपने पढ़ा जिसका आपने उदाहरण दिया कि जैसे वृक्ष से बेल आगे बढ़ती है, बहुत ही विचारणीय बिंदु हमें लग रहा है। और दूसरा जो आपने हिना के पुष्प का उदाहरण, तो वो एक प्रकार से अगर देखें तो वो जो दान है उसका मूल ये है कि हिना के पुष्प बिना किसी अपेक्षा के अपनी सुगंध बिखेरते हैं। दान की सार्थकता यही वही है जहाँ पर हमारी कोई अपेक्षा नहीं होती। नहीं, किसी प्रतिदान की आशा से किया गया दान कोई मायने नहीं रखता। बहुत पहले शास्त्रों में भी ये कहा जाता था कि आप बहुत अधिक परिचित को दान मत ना दें, आप किसी अनजान व्यक्ति को। जैसे आपने कहा कि आप ये ना विचारें कि वो उसके अंदर पात्रता है या नहीं है, उसकी इच्छा नहीं, उसकी आवश्यकता को देखकर आप उसे दान करें। आप अगर देने की स्थिति में है तो आप उसकी आवश्यकता को देखकर उसे दान कर दें, ना कि उससे बहुत ज्यादा छिद्रान्वेषण करके उसके बारे में बहुत सारी। कई बार होता है व्यक्ति जिसे देने जा रहा है उसके बारे में बहुत सारी जानकारियां एकत्रित करने लगता है, तो वहां पर भी फिर दान का जो मूल्य है वो कम होने लगता है। हमें देखना है कि व्यक्ति की आवश्यकता क्या है। और जो अभी शिखर ने कहा कि वो जो दान है जो उसे प्राप्त कर रहा है, वो लेने वाले व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अगर आगे बढ़ा, तो वो दान हमारे लिए सार्थक होता है। और इस पूरी आपकी वार्ता से एक चीज हमें बहुत समझ में आ रही है कि स्वस्थ होने के बाद हम एक और विषय इसका लेंगे, जैसा अभी सुषमा दीदी कह रही थी, उनकी चीजों से भी मुझे ये समझ में आ रहा है कि एक विषय होना चाहिए कि दान यानी जो देने का सुख है, जैसे वो बार बार आपने कृतज्ञता और उन्होंने भी जो कहा कि थैंक यू नोट्स जो उन्होंने लिखने की बात करी, तो देने का सुख क्या होता है? केवल दान शब्द की सारी महिमा हम लोग समझ गए, लेकिन जब हम दान के मनोवैज्ञानिक पक्ष पर आते हैं और हमें ये समझ में आता है कि जो हम दे रहे हैं देते समय जो सुख हमें मिल रहा है, हमें उसको भी उस पर भी चर्चा करनी होगी ताकि हम वास्तव में फिर उस सुख को अनुभव कर सके, हम जान सके और हमारा अहंकार कहीं पर धीरे धीरे करके विगलित होता जाए, क्योंकि दीदी दान का अहंकार भी बहुत होता है। सही कह रहे हो, 10% हमारी व्यक्ति की जो इनकम है उसको दान देना ही चाहिए, क्योंकि हम लोग 10 इंद्रियों से संसार का भोग कर रहे हैं, तो कम से कम 10% तो अपनी इनकम का देना चाहिए। और वो दान इतनी इम्पोर्टेंट चीज है, सभी धर्मों ने, वो चाहे सिख धर्म हो, क्रिश्चियन धर्म हो, इस्लाम हो, हिंदुइज्म हो, बुद्धिज्म, मेरे ख्याल से शायद उसका रीजन जो अभी उस आपकी बात से लगा और जो हमेशा मन में आता है कि दान का सुख एक्चुअली एक्सपेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस का सुख है। क्योंकि हमारी अभी हम अपने इतना स्व केंद्रित हैं कि केवल हम अपने लिए बचा के रखना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही हम अपने से निकल के किसी के साथ शेयर करते हैं तो हमारी चेतना का एक्सपेंशन हो जाता है, कम से कम मोमेंट कुछ क्षण के लिए, और वो एक्सपेंशन ही हमें आनंद देता है। तो वही हमारी उस जो अद्वैत की जो अवस्था है उसका शायद प्रारंभिक चरण है या एक हल्की सी झलक है। तो यहाँ तो अभी हम केवल एक व्यक्ति या किसी ग्रुप को मान लीजिए दिया तो उसका आनंद, तो अब इमेजिन करें कि जो बुद्धत्व प्राप्त करते हैं या शंकराचार्य हैं जो पूरे प्राणी मात्र के साथ एकत्व अनुभव करते हैं तो उनका कितना आनंद होता होगा। तो इसीलिए शायद उसको सच्चित आनंद और वो कहा गया है कि उस समय चेतना इतना एक्सपेंड कर जाती है कि वो पूरे वर्ल्ड के साथ एक हो जाती है। इसीलिए शायद दान, लेकिन ना सही बात है, कर्ता भाव और वो धीरे धीरे ही जाएगा। और इसमें एक, हाँ जी जी बोल,
निशिका आप वो बात कर ले अपनी कंप्लीट, तो मैं एक छोटा सा प्रसंग इस पे सुनाना चाहूंगा। अरे नहीं नहीं आप सुनाइए, आप सुनाइए। जी 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 हो गई बात कंप्लीट। वो आप लोगों ने बहुत से लोगों ने सुन रखा होगा कि युधिष्ठिर एक बार अर्जुन ने कृष्ण से कहा कि आप हमेशा कर्ण की तारीफ करते हैं जबकि दानी तो मेरे भाई युधिष्ठिर भी है। तो कृष्ण जो थे उन्होंने कहा अच्छा तुम मेरे साथ चलो, और फिर उन्होंने युधिष्ठिर को बुलाया और एक गांव के पास सोने का पहाड़ सा बनाया और कहा कि ये युधिष्ठिर को दिया और कहा कि ये मैं तुमको देता हूँ, तुम जो चाहो उसका करो। तो युधिष्ठिर ने क्या किया कि वो वहीं बैठ गए और उन्होंने गांव में मुनादी पिटवा दी कि सोना वो बांट रहे हैं और लोग आए और सोना ले जाए, और फिर वो खुद तोड़ तोड़ कर उस पहाड़ से वो सोना लोगों में बांटने लगे। दूसरे दिन वो कर्ण के पास गए और कर्ण को वो सोने का पहाड़ दिखाया और कहा कि ये मैं तुम्हें देता हूँ, जो तुम्हें करना हो करो। अर्जुन इस बार भी साथ में थे, तो कर्ण ने ये किया, गांव वालों को बुलाया, पहाड़ दिखा दिया और कहा जिसको जो लेना हो लो, और वो चले गए वहां से। तो उन्होंने कृष्ण ने कहा कि तुमने फर्क देखा, युधिष्ठिर को खुद देने का अभिमान था कि मैं दूंगा अपने हाथ से दूंगा, जिसको चाहूंगा उसको दूंगा, पर कर्ण ने ये भी नहीं सोचा जिसको जो चाहिए वो ले जाए। तो कर्ण ज्यादा दानी हुए, मतलब वहां पर देने का अहंकार जैसी चीज नहीं थी। नहीं बिल्कुल, बहुत सुंदर बहुत सुंदर प्रसंग है। चलिए खैर ये तो मेरे ख्याल से ऐसा विषय है, इस पे हम लोग हाँ और भी आगे इसको आगे लेके सकते हैं, लेकिन अगली बार, अभी मेरे ख्याल से हाँ थोड़ा समय का वो हो गया है।